अक्सर आपने देखा होगा कि घर में माँ, बाऊजी, बड़े बुजुर्ग हमें कई तरह के संस्कार देने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हमें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पराए लोग जो कह रहे हैं वो ज्यादा सही है और अपने लोग जो कहते हैं इनका तो काम ही ये कहना है। ऐसा ही एक युवक जिसे बचपन से अपने माँ बाप के तौर तरीकों पर चलने का काम किया, बहुत बार बहसबाजी हुई। एक दिन वो इंटरव्यू देने के लिए एक कंपनी में जाता है और वहां पर जाने के बाद बहुत सारे लोगों की भीड़भाड़ होती है जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे। सब लोग जाते और एक मिनट में वापस बाहर आ जाते, तो उसके अंदर बड़ी खलबली हुई कि ये क्या हो रहा है। जब वो सीढ़ियों से जा रहा था तो उस वक्त दिन के उजाले में बल्ब जल रहा था, उसने उस बल्ब को बंद कर दिया और रास्ते में दो कुर्सी पड़ी थी उसको उसने ठिकाने पर लगा दिया। एक पानी की जो मटकी होती वो रखी हुई थी, नीचे एक लोटा गिरा हुआ था, उसने उस लोटे को उठाया और उस मटकी ऊपर उल्टा करके रख दिया था। ये सब उसने चलते वक्त किया था और फिर बैठा इंतजार कर रहा था अपने इंटरव्यू के लिए। जब वो इंटरव्यू के रूम में पहुंचता है तो बॉस ये कहते हैं, दोस्त कब ज्वाइन कर रहे हो? वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, हुआ कि अभी तक तो कोई क्वेश्चन भी मुझसे नहीं पूछा है, लेकिन ये मुझे इंटरव्यू लिए बगैर नौकरी पर रखने की पेशकश कर रहे हैं। तो आश्चर्य से पूछता है कि सर मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? तुमसे गलती नहीं हुई, गलती वो जो बाहर जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनसे हुई है कि उन्होंने अपने माँ बाप की सीख को नहीं माना। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि हम ये इंटरव्यू प्रश्न पूछ के नहीं बिहेव से ले रहे हैं। हमने चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं और ये पता कर रहे हैं कि किसका बिहेव कैसा है। जब तुमने दिन के उजाले में बिजली का बल्ब बंद किया था तभी हम समझ गए थे कि तुम अपने माँ बाप से संस्कार लेकर आए हो कि जब भी कहीं बल्ब फालतू जल रहा है उसे बंद कर दो, पंखा चल रहा है उसे बंद कर दो, बिजली बचाओ, पानी बचाओ। और तुमने मेज ठीक रखी, पानी का लोटा जो गिरा हुआ था उसे तुमने ठीक रखा, ये तुम्हारे संस्कार दिखाता है। मैं प्रणाम करता हूं तुम्हारे माँ और बाऊजी जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए, तुम्हें ये नौकरी मिलती है और तुम जाकर कल से ज्वाइन कर सकते हो। वो युवक दौड़ा दौड़ा अपने घर जाता है और अपने पिता को गले लगाता है। जब वो आज तक पिता को ये कहता था कि क्या दिन भर आप मुझे लाइट और पंखे के लिए कहते रहते हो, मैं बड़ा आदमी बनने के लिए पैदा हूं, ये लाइट पंखे बंद करने के लिए नहीं हूं, लेकिन फिर भी वो पिता की डांट की वजह से करता था। ये छोटे छोटे संस्कार हमें जो माँ बाऊजी के रूप में मिलते हैं हमें उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये संस्कार हमारे जिंदगी में कब इंटरव्यू में सफलता दिला दे हमें एहसास भी नहीं होता है। प्रिय साथियों, अपने माँ बाऊजी परिवार के सदस्यों का खूब आदर सम्मान और मान सम्मान के साथ उनकी हर बात को, हर सीख को दिल और दिमाग पर लो और उनका सम्मान करो। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। स्वागत के साथ ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं उन सभी प्रियजनों को जिनका जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी स्पेशल डे है। हमेशा की तरह राशिफल की शुरुआत मैं आज के पंचांग और आज की कुंडली पर ही करना चाहूंगा। आज 19 जुलाई और रविवार है जिसे संडे को मैं फंडे बनाने के लिए कई बार बातें करता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सिर्फ राशिफल में वो बताएं जो हमारे साथ होने वाला है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं वो तो जरूर बताऊंगा जो होने वाला है, लेकिन क्या करना चाहिए वो भी मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। और इसी सीख को लेकर, इन मोटिवेशन को लेकर बहुत सारे लोगों के दिन और आने वाला समय शानदार बनाएं, तो हम क्यों नहीं अपनी बातों को अलग तरीके से पेश करें। आज पूरे दिन चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज रात को 9:39 तक आर्द्रा नक्षत्र और फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आज भी ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, अनफा योग का साथ मिलेगा। अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग, मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो हंस और भद्र योग का साथ मिलेगा। आज भी राहु और बुध का जड़त्व दोष और राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष भी होगा और गुरु केतु का चांडाल दोष भी है। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे। आज के दिन अगर आप शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए कुछ शुभ समय का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उसे शुरू कर सके तो यह समय आप नोट करिए। दोपहर को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा जो शुभ का चौघड़िया है। इसके अलावा आप वैसे नहीं करें तो बढ़िया है, पर शुरुआत इस समय करें तो ज्यादा अच्छा है। आज दोपहर को 4:30 से 6 बजे तक राहु काल रहेगा और वहीं दोपहर को 12:26 तक
पाताल योग की भद्रा रहेगी, तो शुभ और मांगलिक कार्य वैसे भी नहीं होते। श्रावण माह का रविवार हमारे बहुत सारे दोष दूर कर सकता है, स्पेशली पितृ दोष और शनि से मिले हुए कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। कल भी हमने शनि के कष्टों का उपाय बताया था, आज मुख्य रूप से पितृ दोष और श्रापित दोष अगर आपकी कुंडली में या आपके घर आसपास में आपको लगता है कि महसूस हो रहा है, तो छह राशि के बाद इसका एक विशेष उपाय बताऊंगा जिसे आप जरूर समझिएगा और अपनाइएगा। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि भोलेनाथ शिव को क्यों प्रिय है शमशान, इसका जवाब कुछ लोगों ने दिया है, मैं इसका जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में दूंगा। आज का मेरा सवाल है कि भोलेनाथ शिव को मां काली के पैरों के नीचे क्यों आना पड़ा, आप इस पर रिसर्च करें, मैं आपको इसका जवाब कल दूंगा। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से। जो एंथुजियाज्म है, साहस है, करेज है, जोश और जुनून है, उसमें इजाफा करने का आशीर्वाद दे रहे हैं चंद्रमा। शुभ दिन तो है ये, जीवन साथी जीवन संगिनी के साथ प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा और देंगे भी सही। वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद बढ़ेगा, ऑफिस में आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, चैलेंजेस और नए नए काम की शुरुआत हो सकती है, नए लोगों से बात करने में आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने का मौका मिलेगा, संडे को फंडे बनाने का मौका मिलेगा और वे नए दोस्त जो अभी हाल फिलहाल में बने हैं, नए कॉन्टैक्ट बने हैं, उनके साथ एक वर्चुअल गेट टूगेदर या जिस प्रकार का भी है संवाद बढ़िया होने वाला है। गलत समय पर और गलत खान पान की वजह से आपको शरीर में स्पेशली पेट में तकलीफ होने वाली है। यदि आप उस इंसान की तलाश में हैं जो आज और आने वाला दिन आपको बदल सकता है, तो आप सिर्फ आईने के सामने खड़े हो जाएं और उसे देखिए जो दिख रहा है और वो होंगे आप, मजा आ जाएगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कोई नई राह पकड़ सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात और कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो भविष्य को सुरक्षित और जिम्मेदार आपको बना सकता है। लकी कलर पर्पल, नंबर 5 शुभ रहेगा। वृषभ राशि, चंद्रमा आज आपको संपत्ति खरीद रहे बेच रहे, खरीद फरोख्त के साथ साथ रिनोवेशन या उसके लिए कोई तैयारी करने के लिए एक खुशी की खबर दे सकते हैं, उसके लिए आपको आगे बढ़ा सकते हैं। भावनात्मक उथल पुथल यानी इमोशनल कॉन्वर्सेशन और इमोशनली आप डिस्टर्ब होने वाले हैं। आज आपको अपने परिवार के साथ धार्मिक स्थल, पुण्य दान और किसी की मदद करने, ईस्ट देवी देवताओं के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। प्रिय और मित्रों, सगे संबंधियों, बुजुर्गों से आज आपको सहयोग मिलने वाला है और सब लोग मिलकर हो सकता है कोई स्पिरिचुअल या सांसारिक जीवन में आनंद उठाने का या गेट टूगेदर संडे को फंडे बनाने का अवसर मिल जाए। परोपकार की भावना आज आपके भीतर रहेगी, कुछ पढ़ने का, लिखने का, कुछ करने का अलग से आपके अंदर हुनर पैदा हो जाएगा। आनंद प्राप्ति के लिए आज दिन भर जो भी करेंगे वो खुशी खुशी करेंगे, तो आप देखेंगे कि खुशी आपको जरूर मिलेगी। फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए एकांत में बैठें और अपने निवेश और इनकम पर फोकस करें। खाली समय का सदुपयोग आप योग प्राणायाम एक्सरसाइज ध्यान चिंतन साइकिलिंग किसी भी प्रकार से कर सकते हैं और ऐसा करने से आपको बहुत मजा आ जाएगा। संगीत आपके जिंदगी का अहम रोल प्ले कर सकता है, इसलिए आज वो संगीत गुनगुनाएं और करें या संगीत का आनंद लें जो आपको स्ट्रेस फ्री कर सकता है। जो लोग सैलरीड पर्सन हैं, आज छुट्टी नहीं है, उनका तनाव और प्रतिस्पर्धा और डर आ जाएगा। हो सकता है काम करने का मन ना करे, छुट्टी लेने का मन करे, लेकिन बॉस अचानक बुला ले। पैरों में चोट या झंझनाहट के संकेत मिल रहे हैं, इससे या किसी गलत नेगेटिव इंसान से मिलकर आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। आप कोशिश करें कि बाहरी लोगों से न मिलकर भीतरी और अपने ही लोगों से अगर आप मेल मुलाकात करते तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टूडेंट के लिए आज आत्मविश्वास बढ़ाने वाला दिन है। लकी कलर व्हाइट, नंबर 7 शुभ रहेगा। मिथुन राशि, आत्मविश्वास आज चंद्रमा आपके भीतर डालने वाले हैं और आत्मविश्वास आएगा पिछले समय में जो आपने गलतियां की थी और उस वक्त जो डर लगा था और डर से हम कैसे निकले थे उससे आत्मविश्वास आएगा, लेकिन आज भी किसी और रूप से अज्ञात भय आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। काम में आने वाली बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएगी, ये सोच तो अच्छी है पर उसके लिए स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाते हैं तो बेहतर ढंग से दूर हो सकती है। रोजगार में अच्छे अवसर, नई नौकरी की तलाश आज पूरी हो सकती है। धन लाभ, रुका हुआ काम या रुका हुआ पैसा, रुके हुए योजना प्रोजेक्ट आपके आगे बढ़ने से शुभता मिलेगी। कोई जटिल समस्या जो आपको लगता था कि ये कैसे हल होगी, उसके हल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप अपनी माँ, बहन,
परिवार के लोगों के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे, और घर में बड़े बुजुर्गों की अगर सेहत खराब थी तो वह ठीक होने से आपको उत्साह और उत्साह मनाने का अवसर जरूर मिलेगा। घर में प्रेम और सौहार्द, पति पत्नी लव लाइफ रिलेशनशिप में हसमुख और सुखद वातावरण बनने वाला है। आप स्वस्थ और उत्साहित अपने आप को महसूस करेंगे। व्यक्तिगत विवाद से निपटने के लिए किसी का भी पक्ष न लें और स्टूडेंट बनकर दिन गुजारोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यह समय और आज का समय परिवार को समर्पित करिए, रिनोवेशन पर ध्यान दीजिए, चाहे वो अपने स्वभाव का रिनोवेशन हो या घर का रिनोवेशन हो। लकी कलर ग्रे नंबर 2 शुभ रहेगा। कर्क राशि, चंद्रमा आज आपके खर्चे बढ़ाने वाले हैं। इनकम तो स्थिर है लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार में कोई स्पेशल चीज आ सकती है या कोई रुका हुआ काम धन के खर्च करने से पूरा हो सकता है, आनंद मिलेगा। व्यर्थ की यात्रा और यात्राओं को टालने में ही समझदारी है, जो इस कोरोना काल में रिस्की भी है। स्पिरिचुअलिटी के प्रति रुचि अधिक रहेगी। राजनीतिक कठिनाइयों का सामना थोड़ा करना पड़ सकता है। अपने विचारों को सुलझाने के प्रयास के लिए ध्यान, योग, चिंतन और प्राणायाम जरूर करें। अपने द्वारा किए गए कर्म, लिए गए निर्णय आपके गलत हो सकते हैं, किसी और की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जिसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए कोई कंफ्यूज करे तो अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करें। अपने वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ अधिकारी, परिवार के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलने वाला है। आप अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि घर में कोई बड़ा झगड़ा आपके गुस्से और गलत जुबान की वजह से हो सकता है। छोटे बच्चे या छोटे भाई बहन आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप उनकी मदद करें, समय निकालें और उनका पूरा साथ दें। कमजोर और अस्वस्थ अपने आप को बिल्कुल भी नहीं महसूस करें। स्वस्थ भोजन और सही समय पर भोजन की आवश्यकता है आपके शरीर को, ध्यान दीजिए। लकी कलर पिंक नंबर 4 शुभ रहेगा। सिंह राशि, चंद्रमा आपको आमदनी बढ़ाने, कर्ज और खर्च को कम करने का एक नुस्खा, आइडिया, इनोवेशन देने जा रहे हैं। आंख और कान खोले रखे इसका स्वागत करें। आपके जुबान से निकले हुए शब्द कल्याणकारी होंगे। एक दार्शनिक विचार आपके बारे में आ सकते हैं। आप कुछ ऐसे शब्दों के प्रयोग करेंगे जिसे सुनकर अगला व्यक्ति ऐसा समझेगा वो धन्य हो गया, दिन उसका बन गया। इसलिए अपने शब्दों को इतने बढ़िया ढंग से आप इस्तेमाल करें कि वो लोगों के लिए मोती बन जाए। मार्केटिंग, सेल्स और जो भी ऐसे काम है जो आपके ट्रैवल से रिलेटेड है, जॉब हो चाहे बिजनेस हो, उसमें आज आपको कुछ नया सीखना और करने का मौका जरूर मिलेगा, और इसी काम में आज आप व्यस्त रहेंगे। लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। घर का रिनोवेशन, घर में खुशियां, कुछ नयापन लाने का, नया कुछ करने का मौका मिलने जा रहा है। नए संपर्क भी बनेंगे जो लाभकारी रहेंगे। पेशेवर जीवन के बारे में उत्साहजनक बात सुनेंगे और करेंगे। एक आश्चर्यजनक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, जिसको लेकर आप बहुत समय से चिंतित थे। स्टूडेंट, कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है, बस मेहनत में स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। सीखना और सिखाना, ये दोनों ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य तो ठीक है लेकिन मसल पेन थोड़ा परेशान कर सकता है। अगर आपको किसी प्रकार का भाइयों से विवाद है, कोई बड़े बुजुर्गों में किसी प्रकार का विवाद है, तो संडे को एक फंडे और गेट टुगेदर, एक अच्छा एक लंच डिनर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं परिवार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, ताकि आप उन मसलों को हल कर सके। शांत और ध्यान करें अपने काम में तो परिस्थिति खुद ब खुद संतुलित हो जाएगी। लकी कलर नेवी ब्लू नंबर 1 शुभ रहेगा। कन्या राशि, चंद्रमा आज आपको रणनीति बनाने, राजनीति किसी के साथ करने के लिए, कोई छल करने के लिए, किसी की चुगली करने के लिए आपको प्रोवोक करेंगे। आप ऐसे कोई काम न करें, करने हो जो कि सही ढंग से हो सकते हैं, किसी के लिए बुरा ना हो, ऐसे काम कर सकते हैं। आप संगीत को आनंद बहुत अच्छा लेने वाले हैं, और याद रखिएगा, जब भी सुख और दुख हो तो संगीत बड़ा काम का होता है, और ये संगीत आप चुनिए, आपको लाभ मिलेगा। कर्म क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी और घर में सुख सुविधाओं का वास और वृद्धि होगी। नए संपर्क तो बनाएं लेकिन पुराने संपर्कों को जरूर टेलीफोन करें, खंगालिए उनको। कई बार हमें अपनी दुकान में, ऑफिस, फैक्ट्री, जहां पर भी हम बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें जो नए लोग आते हैं, बड़ी खुशी मिलती है कि नए लोग जुड़ रहे हैं, पर पुराने कहां चले गए? ये सोच आपको सोचनी पड़ेगी, ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे पुराने लोग जो आफ्टर सेल सर्विस से नाराज है, उन्हें मनाइए। घर में मौज मस्ती और मनोरंजन की प्रवृत्तियों का आपका एक आदान प्रदान होगा, और ये जो प्रवृत्ति है जो आप करना चाहते हैं, इसके लिए अवसर आपको जरूर मिलेगा। शांति के लिए
एकांत में बैठना, मौन व्रत करना या मौन रहकर कुछ पल कुछ घंटे गुजारना शुभ रहेगा। प्रोफेशनली होकर इमोशंस को घर के बाहर रखकर आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी लोग सराहना करेंगे। आपको अपनी माँ, दादी, ग्रैंड पेरेंट्स की सलाह और आशीर्वाद बहुत आज याद आएगी, और उनका आशीर्वाद मिल गया तो समझो आपका दिन बन गया। आपको ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए जो कठिन हो लेकिन आपके लिए अच्छे हो तो लाभ मिलेगा। दिल और दिमाग को मजबूत बनाने के लिए IQ और EQ लेवल के टेस्टिंग का सहारा लीजिए, स्टूडेंट के लिए बहुत काम आने वाली चीज है। आज स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत शानदार दिन है, खूब पसीना आप ग्राउंड पर बहाने वाले हैं। लकी कलर क्रीम नंबर 3 शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, 6 राशि के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि श्रावण मास का रविवार पितृ दोष की शांति और उस मुक्ति के लिए आपके लिए बहुत कारगर हो सकता है। जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ थे तो आशीर्वाद देते ही थे, लेकिन मृत्यु के बाद क्या वो हमें बद्दुआ देने लग जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कई बार बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि उनके घर परिवार में जिनकी मृत्यु हुई है उनका सही समय पर दाह संस्कार न होना, सही विधि से न होना, तर्पण क्रिया न होना, श्राद्ध समय पर न होना, ये कई बार आने वाले पीढ़ी के लिए पितृ दोष और श्रापित दोष का कारण बनती है। पितृ दोष कुंडली में बनने वाला एक ऐसा दोष है जिसके कारण परिवार में अनबन, ग्रह कलेश, आर्थिक संकट और अनेक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। और इस बार श्रावण मास में कृष्ण चतुर्दशी पर बन रहा है ग्रह योग आपको पितृ दोष से मुक्ति दिलाने के लिए दुर्लभ अवसर लेकर आ रहा है। इस विशेष दिन पितृ दोष निवारण साधना से आप पितृ दोष से तो मुक्त होंगे होंगे, साथ ही शनि और राहु जनित कष्टों से भी आपको निजात मिलेगी। श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को ही रात में 12:09 से सर्व पितृ अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी, और इस दिन शिव को प्रिय आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। चतुर्दशी को आर्द्रा नक्षत्र है तो अमावस को पुनर्वसु। श्रावण मास का महीना और अमावस्या के साथ शिव प्रिय दो नक्षत्रों को दुर्लभ संयोग साधना के लिए श्रेष्ठ होता है। वैसे कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि 18 तारीख की रात और 19 की सुबह 12:15 पे यानी रात को आप पूजन कक्ष में जाएं। अगर ऐसा संभव ना हो तो सुबह जा सकते हैं अगले दिन, या जब भी समय मिलता है 19 तारीख को जा सकते हैं। सबसे पहले श्री गणेश जी की आराधना करें, उनका पूजन करें और फिर शिव पूजन करें। पूजन के लिए बिल्व पत्र के साथ सफेद पुष्प तथा आक और दतुरा और उनके पुष्प भी मिल जाए तो वह चढ़ाएं, और इनकी संख्या 14 होनी चाहिए। 14 आक दतुरे, 14 ही पुष्प होने चाहिए, 14 बिल्व पत्र होने चाहिए। एक एक पुष्प पर चंदन लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को अर्पण करें, और इसके बाद लगभग 31 तक शिव गायत्री मंत्र क्या है उसे नोट करिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र को मैंने स्क्रीन पर भी दिखाया है, इसका उच्चारण करते हुए भोलेनाथ शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पण करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा परिवार आपकी शरण में है, मुझे पितृ दोष और ग्रह दोष से मुक्ति दिलाएं। और उसके बाद आपको 11 दीपक पितृ दोष की शांति के लिए, अगर पीपल वृक्ष आसपास हो तो वहां चढ़ा दें, वहां प्रज्वलित कर दें। अगर ऐसा रात को संभव नहीं है तो अगले दिन यानी 19 तारीख की शाम को आपको चढ़ाना चाहिए और थोड़ा जल अर्पण करना चाहिए, वहां पितरों का वास होता है तुलसी के पेड़ में। और मन ही मन अपने पितरों के नाम से संकल्प लीजिए कि मैं एक प्याऊ बनाऊंगा, एक मटकी या कोई मशीन अपने घर के बाहर रखूंगा, गर्मी में लोग पानी पियेंगे और उसके बाद उनकी शांति और तर्पण जरूर होगा। और वैसे भी पितरों के नाम से दान और पुण्य करना तो हमारा कर्तव्य भी बनता है। तुला राशि, चंद्रमा आज आपको ज्ञानी बनाने वाले हैं, ज्ञान भी बढ़ेगा और उससे आपका सम्मान भी बढ़ेगा, लेकिन अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए। किसी भी जगह की यात्रा करने का, छोटी हो या बड़ी, पास हो या दूर दराज की यात्रा करने का अवसर मिलेगा, करिए जरूर, लेकिन फिलहाल आपको हर कीमत पर हर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और सरकारी नियम कायदे कानून के अनुसार करने चाहिए। काम पूर्ण करने के प्रबल आसार हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, सुख और आनंद के साथ साथ परिवार के साथ आनंद 100% बिताने वाले हैं, आनंद मनाने वाले हैं, आनंद को पाने वाले हैं। स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक भोजन पकाने का काम करिए, खाने का तो रोज ही करते हैं। परिवारजनों के साथ स्पिरिचुअलिटी,
धार्मिक कर्म करने का अवसर मिलेगा। प्यार फैलाने के लिए, प्यार बांटने के लिए, प्यार ही प्यार को बहाने के लिए आज आप अपने लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा नहीं करें, बल्कि प्यार, इश्क और मोहब्बत की ही बातें करें। स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना आज मुश्किल होगा। आपके स्वास्थ्य के सितारे, स्पेशली उन लोगों के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, थोड़ी सी तकलीफ आएगी। गर्मी जनित चीजें तकलीफ दे सकती है, ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को ऑलरेडी अर्थराइटिस है, उन लोगों को आज हड्डियों में तकलीफ ज्यादा बढ़ सकती है, स्पेशली जो घुटने और कमर है उसमें। जो लोग अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपनों से दूर है, उन लोगों का आज कम्युनिकेशन बहुत शानदार परिवार के साथ होने वाला है। लकी कलर गोल्डन, नंबर 4 शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आज आपके भीतर आकस्मिक परिवर्तन करवाने जा रहे हैं। आपके भीतर यानी अपने स्वभाव में परिवर्तन, अपने परिवार में शांति के लिए, अपनों के साथ, या फिर जो जॉब और बिजनेस पर्सन है, जो भी परिवर्तन है उसे सहर्ष स्वीकार करिए। घर और बाहर आज दोनों जगह वाद और विवाद से बचना चाहिए। जितना मौन रहोगे, साइलेंट रहोगे, उतना ही दिन शानदार गुजरेगा। सोच समझकर कार्य करने का आज आपको मौका मिलेगा। अनजाने में या जानकर की गई कोई भी काम की आपको कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि आप कुछ गलती करने जा रहे हैं। जुबान पर नियंत्रण रखने के लिए मैंने पहले ही मौन व्रत धारण करने का कह दिया है, क्योंकि आज जुबान थोड़ी सी बहक सकती है, लड़खड़ा सकती है, गलत शब्दों का चयन कर लेंगे और बाद में आप खुद पछताएंगे। आंखों में पीड़ा और जिन लोगों को हाई जो डायबिटीज है, उन लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिक व्यवहार वाले लोग, शांत चित्त लोग, मोटिवेशन जिनके अंदर भरपूर है, उन लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों की तबीयत खराब होने से आज आपको थोड़ा सा भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है, और ऐसा करने से अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो तुरंत करना चाहिए। अतीत में की गई गलतियों के कारण आज आपको कोई खामियां सा भुगतना पड़ सकता है, अलर्ट रहें। जीवन साथी के साथ दृष्टि और दृष्टिकोण को समझने की पूरी आवश्यकता है। स्टूडेंट आज अपने शानदार दिन को सोशल मीडिया, मूर्खों की सभा में जाकर भाषण देने का काम करके आज चिंता में आने वाला है। इसलिए बेटर यह रहेगा कि आप प्रोडक्टिव काम करें, प्रोडक्टिव स्टडी करें। लकी कलर ग्रीन, नंबर 6 शुभ रहेगा। धनुराशि, पति और पत्नी के बीच प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोमांच और रोमांस बढ़ने वाला है, और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो दोस्तों के साथ एक बेहतर ताल्लुकात बनने वाला है। शुभ समाचार आपका इंतजार कर रहे हैं और इससे आपको मनोबल बढ़ेगा और सर्वव्यापी लाभ के प्रबल संकेत है। कलाकार और कारीगरों को उनकी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा और उनकी कदर जरूर होगी। जीवन में अधिक गंभीरता का अनुभव करने वाले हैं। आपको लोगों की सेवाओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। किसी और की समस्या के कारण, किसी और के कारण आपका काम, आपका नेचर, आपका पारिवारिक शांति में खलन पड़ने वाला है। याद रखिए, किसी और की नेगेटिव नो एंट्री। आप चैन से अगर रहना चाहते हैं, अच्छी नींद लेना चाहते हैं, तो गलत कर्म, गलत लोगों से बातचीत और गलत शब्दों से दूर रहें। खर्च बढ़ेंगे, अचानक ही कोई काम आ जाएगा, किसी की मदद करनी पड़ सकती है, चाहे वो चैरिटी हो या किसी और प्रकार की मदद हो, लेकिन आपको अपने डिग्निटी और चरित्र को बनाए रखने के लिए वो कर्जा या उधार देना पड़ेगा। आपके लिए अपनी इमोशनल कॉन्वर्सेशन तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छी रहेगी, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। लकी कलर ब्राउन, नंबर 8 शुभ रहेगा। मकर राशि, दुश्मनों से सावधान कर रहे हैं चंद्रमा, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने दुख से तो इतने ज्यादा दुखी नहीं है, लेकिन आपके सुख से ज्यादा दुखी है, और आप दुखी हैं तो वो और ज्यादा सुखी हैं। जीवन साथी से सहयोग लेना चाहिए और देना भी चाहिए। अविवाहित लोगों के विवाह के प्रस्ताव आएंगे और हो सकता है शुभ और मांगलिक कार्यों की कोई डेट फिक्स हो जाए, हो सकता है आज कुंडली मिलान हो जाए। नौकरी, व्यवसाय में उन्नति और मान सम्मान प्राप्त जरूर होगा। गृहस्थ जीवन में आनंद ही आनंद के लिए आपको परमानंद प्राप्ति की योजना बनानी पड़ेगी। आसान दिन नहीं है, लेकिन शानदार दिन बन सकता है। आपके बेहतर तालुका से, संगीत से, कुछ एंटरटेनमेंट से, या किसी प्रकार से संडे को फंडे बनाने के जो प्रकार से हम कर्म करते हैं, उससे आज आपका दिन बढ़िया बन सकता है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ इमोशनल और आने वाले भविष्य की चर्चा करने वाले हैं। गलत समय पर भोजन और गलत भोजन की वजह से गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन तय है। दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित होंगे।
पारिवारिक विरासत में हिस्सा मिलने की पूरी संभावना बन रही है। नए और पुराने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे और स्टूडेंट, आर्टिस्ट, जॉब और बिजनेस वाले लोगों को पुराने लोगों से मिलने का या बातचीत करने का अवसर मिलेगा। चूकिएगा मत। लकी कलर सिल्वर नंबर 5 शुभ रहेगा। कुंभ राशि, संतान को अच्छी पढ़ाई करते देख, संस्कारित, खेलकूद में अव्वल आते हुए देख माँ बाप को बहुत खुशी मिलने वाली है और आप खुद ही संतान हैं तो अपने माँ पिताजी को खुशी देने का अवसर आज आपको मिलने वाला है। किसी को उधार देना और लेना, धन को खर्च करने से बचना चाहिए, सिर्फ आमदनी पर गौर करना चाहिए, वो भी एकांत में बैठकर अपने नए नए नुस्खे अपनाइए, आपको लाभ मिलेगा, क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे। कारोबार में बेहतरी के लिए किसी की मदद और किसी की सलाह बहुत काम आने वाली है। नए संपर्कों के साथ साथ पुराने ग्राहक भी आज आपको मिल सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में जिन लोगों को नौकरी है उन लोगों को कल स्पेशल कोई टास्क मिलने वाला है, स्पेशल काम की तैयारी कर सकते हैं। शुभ अवसर के आयोजन में अच्छा समय नहीं है, इसलिए शुभ और मांगलिक कार्यों की योजना बना सकते हैं, करने से दूर रहें। नकारात्मक विचार आपके तो कम है लेकिन आपके साथ वाले लोगों के ज्यादा हैं, उनसे दूर रहिए। अपने फाइनेंशियल का जो कंडीशन है अपनी, उस पर एक गौर फरमाइए ताकि आप निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर और कर्जे पर फोकस कर सके। कुछ नए सोर्सेस से इनकम या इनकम जनरेट करने के अवसर मिलेंगे, ऐसे चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। पिता और ग्रैंड पेरेंट से मनभेद और मतभेद आपकी गलत जुबान की वजह से हो सकता है, इससे बच के रहें। जीवन साथी, जीवन संगिनी के स्वास्थ्य पर विशेष विचार करिए। घरेलू मोर्चे पर तनाव और अप्रियता को दूर करिए और रिनोवेशन पर ध्यान दीजिए। आपको दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने के बजाय आज ध्यान केंद्रित करना चाहिए उनके अंदर अच्छाई क्या है। दूसरों को सलाह देने से बचना चाहिए। आपके स्वास्थ्य के सितारे तो ठीक है लेकिन ट्रेवल करने में गड़बड़ हो सकती है। पेट में गर्मी परेशान करेगी। लकी कलर ऑरेंज नंबर 2 शुभ रहेगा। मीन राशि, चंद्रमा आज आपको सुख और सुविधाएं जो मिली हुई है उनसे पूरा आनंद लेने का अवसर मिलाएंगे। एंटरटेनमेंट, चाहे वो मूवी हो, म्यूजिक हो, घूमना फिरना हो, साइकिलिंग हो, खेलकूद हो, ऐसे अवसर प्रदान करेंगे और ये जरूर करना चाहिए। परिस्थितियां अभी पूरी तरह अनुकूल नहीं है, व्यवसाय में सुधार से भी राहत नहीं मिलेगी और नए क्षेत्रों में विस्तार के अवसर नहीं आएंगे। अपने डर और चिंताओं को दूर करने के लिए अपने दिल के सबसे करीबी पर भरोसा आज कर सकते हैं। उत्तेजित यानी जोश में होश खो बैठेंगे। कोई भी आपके लिए सही सोच रहा है, हर कोई आपके लिए अच्छा सोचता है, ये सोच तो अच्छी है लेकिन आपको अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि कुछ लोग अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते सोचते बीच में कुछ ऐसी चीज भी डाल देते हैं जिससे आप उलझ जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आसानी से आज अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आप स्पष्ट रूप से नहीं सोच पाएंगे तो आज आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। घरेलू मोर्चे पर तनाव और कठोरता रहेगी। आप में से कुछ एक कोई अवैध प्रयास, गलत तरीके से पैसा कमाना, झूठ बोलना, झूठी तसल्ली देना, ऐसा कुछ काम आप करने वाले हैं जिससे बाद में आपको मलाल होगा। जीवन साथी, जीवन संगिनी के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आएगा। धीरज, धैर्य और संयम जरूर रखिए। लकी कलर येलो नंबर 7 शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि भोलेनाथ शिव को क्यों प्रिय है शमशान। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती हमारे समाज और परिवार ने की है, वो ये है कि शमशान घाट को, कब्रिस्तान को या जहां पर भी ये सारे कर्म होते हैं उसे शहर के बहुत बाहर बनाया जाता है ताकि किसी की नजर नहीं पड़े, चुपके से वहां गए और सब करके आ गए। मेरा ऐसा मानना है कि मरघट को, शमशान को, कब्रिस्तान को शहर के बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए ताकि हर इंसान को यह पता लगे कि एक दिन हमें भी यही जाना है। तो जब जाना वही है तो सत्कर्म करें क्योंकि असली इंसान की तारीफ तो शमशान घाट में ही होता है। कुछ भी हो, आदमी बड़ा अच्छा था, जीते जी तो तारीफ की नहीं, मरने के बाद आदमी बहुत बढ़िया था। इसलिए मरघट मेरी नजर में शहर में होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान शिव का वास नहीं हो या वो ना करते हो। एक तरफ जहां भगवान खूबसूरत कैलाश पर्वत पर वास करते हैं, वही दूसरी ओर शमशान घाट भी उनको अति प्रिय है। शमशान या श्मशान दो शब्दों का शम और शान से मिलकर बना है। शम का अर्थ होता है शव और शान का अर्थ होता है शयन यानी कि बिस्तर, निद्रा। श्मशान घाट ही ऐसी जगह है जहां
सही मायनों में शरीर से आत्मा मुक्त हो जाती है। इसीलिए भगवान शिव ने सभी मनुष्यों को मोह माया की दुनिया से दूर रखने के लिए श्मशान घाट में निवास किया है। भोलेनाथ को विनाशक भी कहा जाता है, जो समय समय पर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए विनाशक का रूप धारण करते हैं। जटाधारी महादेव को श्मशान में एकांत और कायांत दोनों मिलते हैं। कायांत यानी काया का अंत होना, काया अर्थात शरीर का अंत। आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर के पास बैठकर रोते हैं, मिलाप करते हैं, उसे गले लगाते हैं। लेकिन जब शरीर को आग लगा दी जाती है तो चाहे कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों न हो, वो फिर उस आग को देखकर गले लगाने नहीं जाता है, बल्कि उसको उस समय खुद की चिंता आने लगती है कि कहीं मैं खुद आग से जलकर न मर जाऊं। यहीं पर उसे सत्य जीवन का परम सत्य मृत्यु के बारे में ज्ञात होता है और ये ज्ञान भोलेनाथ करवाते हैं। शमशान घाट पर कहते हैं कि जब भी कोई अर्थी जाए तो उसे कांधा देना बहुत पुण्य का काम होता है। मेरी नजर में, यहां मैं एक अपने मन की बात कहना चाहता हूं कि लोग राम नाम सत्य है ये बोलते हैं जब अर्थी चल रही होती है। ये किसको बोलना था, जो पहुंचा रहा है उनको या जो पहुंच चुके हैं उनको? मेरी नजर में जिस इंसान की मृत्यु हुई है वो अगर अंतिम समय में प्रभु का नाम लेता, अपने धर्म के हिसाब से अपने भगवान का नाम लेता, तो उसका जहां जन्म होता है अगर मोक्ष नहीं मिलता है तो वह अंत भला तो सब भला। इसके अंतिम समय पर अगर आपने भगवान का नाम लिया तो जहां जन्म होगा वो स्पिरिचुअल घर होगा। इसलिए हम सब पहुंचाने वाले लोग तो राम नाम सत्य जरूर बोलते हैं, लेकिन जिसको जाना है वो बोले तो मजा आ जाए। भगवान पूरे विश्व को बताने के लिए संसार में कुछ स्थायी नहीं है, इसीलिए उन्होंने खोपड़ी की माला भी धारण की है। साथ में कुछ भी चीज व्यर्थ नहीं होती। आपको पता है मुंड माल के बारे में मैंने बताया था, मुंड मतलब हमारी खोपड़ी। इसके लिए उन्होंने खुद के शरीर पे भस्म लगाना शुरू किया है। आप याद रखिए कि एक दिन हम लोगों को सबको परलोक सिधारना है। इसके लिए आज और अभी हर पल मृत्यु के नजदीक हम जा रहे हैं, तो क्यों नहीं सत्कर्म करें। और याद रखिए, जीवन को ईश्वर ने जीने के लिए भेजा है, कोई काटने के लिए नहीं भेजा है। हर पल जिए, खुशी पाने के लिए कुछ मत करिए, हर काम को खुश रहकर करिए, खुशी जरूर मिलेगी। और भोलेनाथ भोले प्रसन्न जरूर होंगे। इसलिए आप लोग इन सब बातों को जब समझते हैं, और बहुत सारे लोग भोलेनाथ शिव की तांत्रिक क्रियाएं शमशान घाट में करते हैं, और जब वो क्रियाएं करते हैं, तंत्र प्रयोग करते हैं, तो भोलेनाथ उन्हें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वह शमशान घाट में ही विराजते हैं या शमशान घाट में भी विराजते हैं। अब आपको यह पता लगाना है कि क्यों आना पड़ा भगवान शिव को मां काली के पैरों के नीचे। इस पर आप रिसर्च करें, मैं आपको इसका जवाब कल दूंगा। आज के लिए इतना ही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संडे को फंडे मनाएं, पूरा एंजॉय करें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और हर पल व्यस्त रहें। इस उम्मीद, विश्वास और प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।